हेलो एंड वेलकम बैक टू गाड़ीवाड़ी.com। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट गौरव यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं गाड़ीवाड़ी.com के यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं उन दोनों स्कूटर्स के अंदर डिफरेंस। एक्टिवा 6G के दो वेरियंट्स को लॉन्च किया गया भारत के अंदर, 6G स्टैंडर्ड एंड 6G डिलक्स। इन दोनों वेरियंट्स में क्या डिफरेंस है, क्या प्राइजेज है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो एक्टिवा 6G का जो स्टैंडर्ड वेरियंट है उसकी कीमत रखी गई है 63,900 रुपीज़। 6 कलर ऑप्शंस मिले हैं इस स्कूटर को, और जो डिलक्स वेरिएंट है उसकी कीमत रखी गई है 65,400 रुपीज़ एक्स शोरूम न्यू दिल्ली। दोनों स्कूटर्स के अंदर 1500 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस है। जो डिफरेंस आपको दोस्तों इन दोनों स्कूटर्स के अंदर मिलने वाला है, वो मिलने वाला है इनके सिर्फ और सिर्फ हेडलाइट के अंदर। जो डिलक्स वेरिएंट है उसके अंदर आपको मिलेगी LED हेडलाइट, और जो इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसके अंदर से LED हेडलाइट को हटा दिया गया है। जो 5G आती थी एक्टिवा उसके अंदर आपको स्टैंडर्ड मिलती थी LED हेडलाइट, बट इसमें आपको LED हेडलाइट स्टैंडर्ड नहीं मिलने वाली, हेलोजन बल्ब लगाया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस इन दोनों स्कूटर्स के अंदर, और उसके अंदर आपको सिर्फ हेडलाइट अलग मिलने वाली है। दोस्तों एक्टिवा 6G के अंदर अब आपको सेमी डिजिटल स्पीडो कंसोल नहीं मिलेगा। जो एक स्पीडो कंसोल आता था इसके अंदर, वो अब सेमी जो डिजिटल एनालॉग था उसको अब सिर्फ एनालॉग कर दिया गया है। और इसके दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर आपको अब एनालॉग स्पीडो मिलने वाला है। और अगर मैं बात करूँ डिफरेंसेस की, तो इन दोनों स्कूटर्स में और काफ़ी सारे डिफरेंसेस आए हैं। दोस्तों इसकी लेंथ को बढ़ाया गया है, इसकी विड्थ को कम किया गया है 5G के मुकाबले, पावर थोड़ी सी कम मिलेगी आपको अब इस स्कूटर के अंदर, और अब इस स्कूटर के अंदर आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलने वाला है। माइलेज लगभग 10% ज़्यादा क्लेम की है कंपनी ने आपको मिलेगी एक्टिवा 6G के अंदर। बात करूँ मैं सबसे पहले बड़े बड़े डिफरेंसेस क्या मिलेंगे अगर आप इसको कंपेयर करते हैं 5G के मुकाबले, तो अगर आप आगे देखेंगे तो इसमें आपको मिलने वाले हैं टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन, फ्रंट मडगार्ड है उसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज किया गया है, और जो फ्रंट एप्रन है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले रबर आता था, अब उसको प्लास्टिक किया गया है। दो फिन्स बनाई गई हैं इसके अंदर, क्रोम आपको इसके एप्रन के ऊपर भी मिलने वाला है। दोस्तों फ्लोर बोर्ड है इसका, वो 23mm से बड़ा किया गया है, आपको बड़ा फ्लोर बोर्ड मिलने वाला है स्कूटर के अंदर। सीट की लंबाई को बढ़ाया गया है। डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो इस स्कूटर की लेंथ लगभग 72mm से बढ़ाई गई है 5G के मुकाबले, और इसकी विड्थ लगभग 13mm से कम की गई है। हाइट इस स्कूटर की 2mm से कम की गई है, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसमें लगभग 18mm का इजाफा आपको देखने को मिलेगा। पहले जो 5G के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस आती थी वो आती थी 153mm की, और 6G के अंदर आपको मिलने वाली है 171mm की ग्राउंड क्लियरेंस। कर्व वेट इस स्कूटर का सेम 109kg का रखा गया है, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी सेम 5.3 लीटर की रखी गई है स्कूटर की। दोस्तों टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के अलावा जो एक बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इन स्कूटर्स के अंदर, वो मिलने वाला है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, और ESP मिला है जो एक्टिवा 125 के अंदर भी आता था। काफ़ी साइलेंट स्टार्ट मिली है, स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी मिली है। आप अगर ट्रैफिक के ऊपर स्कूटर को रोकते हैं तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, और उसको आप बंद भी कर सकते हैं, बटन दिया गया है इसके अंदर, आप स्टार्ट स्टॉप को बंद भी कर सकते हैं अगर करना चाहें। और उसके अलावा पास का स्विच भी मिला है इसके अंदर। दोस्तों 4-in-1 लॉक मिलने वाला है, आप सीट को ओपन कर सकते हैं, आप फ्यूल कैप भी ओपन कर सकते हैं। दोस्तों फ्यूल कैप को अब सीट के नीचे से निकाल कर, पहले यहाँ पर होती थी, उसको यहाँ से निकाल कर पीछे शिफ्ट किया गया है। आपको सीट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको फ्यूल फिल करना है। जुपिटर के अंदर सेम ऐसा ही वो आता था, और अंडर सीट स्टोरेज स्पेस लगभग बराबर है। उसके अलावा दोस्तों जो एक अपना जो चार्जिंग का एक ऑप्शन आता था मोबाइल चार्जिंग का, वो इसमें से हटा दिया गया है। सीट पहले से बड़ी की गई है, लेंथ बढ़ाई गई है, विड्थ थोड़ी सी कम की गई है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा की गई है स्कूटर की। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो फ्रंट टायर है स्कूटर का वो किया गया है 12 इंचीज़ का, पहले ये 10 इंचीज़ का आता था, अब इसकी साइज़ को 12 इंचीज़ का किया गया है। हालांकि दोस्तों आपको इस स्कूटर के अंदर अभी भी आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे, और डिजिटल स्पीडो कंसोल आपको नहीं मिलेगा, कनेक्टिविटी के फीचर्स नहीं दिए गए जो जुपिटर ग्रैंडे के अंदर आते हैं। तो 2-3 कमियां छोड़ी हैं शायद वो एक्टिवा 7G के अंदर दूर करेगी कंपनी। और इस स्कूटर का एक डिटेल्ड माइलेज टेस्ट वीडियो भी आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर देख पाएंगे। उसके अलावा हमने 6G को एक 5G से कंपेयर किया है, वो वीडियो भी आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर देख पाएंगे बहुत जल्द। और
एक्टिवा 6G वर्सेज जुपिटर BS6 का कंपैरिजन भी आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर बहुत जल्द देख पाएंगे। दोस्तों अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के साथ आपका होस्ट गौरव यादव इस वीडियो में लेता है आपसे विदा, मिलता है एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद दोस्तों।